चलिए अब बात होगी हिमाचल की तमाम खबरों की फटाफट अंदाज में। क्रिप्टोकरेंसी मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एसआईटी टीम ने आरोपी को किया गिरफ्तार। एसआईटी ने आरोपी को अदालत में पेश किया, आरोपी को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। नगर निगम की मासिक बैठक का आयोजन, आम जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर विस्तार से चर्चा, नगर निगम प्रशासन जल्द लेगा एक्शन। राज्य स्तरीय किन्नौर महोत्सव का आगाज, शिक्षा मंत्री रोहित ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की। मंत्री ने लोगों को संबोधित किया, किन्नौर महोत्सव को आकर्षित करने के लिए मिस किन्नौर प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। धर्मशाला में होगा आपदा पर मंथन, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की जाएगी आयोजित, देश विदेश से भूवैज्ञानिक लेंगे हिस्सा, सीएम सुक्खू करेंगे कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ। लौह पुरुष की 148वीं जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई, भारतवर्ष में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन, विधायक ने रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाई। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि, कांग्रेस ने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में कार्यक्रम का आयोजन किया, कांग्रेस ने पदाधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर युवा कांग्रेस ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रक्तदान कर कमाया पुण्य, रक्तदाताओं को सम्मानित किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर अधिकारियों और कर्मचारियों को दिलाई गई राष्ट्रीय एकता अखंडता की शपथ, लौह पुरुष ने राष्ट्र को संगठित करने में निभाई अहम भूमिका। जोनल हॉस्पिटल में फिर शुरू हुआ सीबीसी टेस्ट, विधायक अनिल शर्मा ने हॉस्पिटल को समर्पित की 3 मशीनें, 40 लाख की मशीनों की कीमत। November 15 तक करवा सकते हैं ई केवाईसी, 10 दिन तक सर्वर रहा डाउन, विभाग ने फिर से शुरू की सेवाएं। सोलन के मॉल रोड पर हुआ जमकर हंगामा, 2 व्यापारी फड़ी लगाने को लेकर आपस में ही भिड़ गए, हंगामे के चलते लगा सड़क पर लंबा जाम। करवा चौथ पर्व को लेकर महिलाओं में उत्साह, महिलाएं जमकर कर रही हैं खरीदारी, मार्केट में दिख रही है रौनक। शिमला में आयोजित की गई है रन फॉर यूनिटी, रिज मैदान से विधायक हर्ष जनारथा ने दौड़ को दिखाई हरी झंडी, स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पावटा में धरने पर बैठे अधिवक्ताओं के पक्ष में उतरी है बीजेपी, पूर्व मंत्री पहुंचे समर्थन देने, मुख्यमंत्री से अधिवक्ताओं की समस्या का समाधान करने की बात करेंगे। करवा चौथ के त्यौहार को लेकर बाजार में महिलाओं की उमड़ी भीड़, पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है यह व्रत, विवाहित महिलाओं के लिए खास होता है करवा चौथ का व्रत। आईजीएमसी से निकाले गए सुरक्षा कर्मियों का राजभवन के बाहर प्रदर्शन, मुंह पर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया, कहा नौकरी पर वापस ना होने पर होगा उग्र आंदोलन। नैना देवी के डाकघर में चोरों ने लगभग 3 लाख रुपए पर हाथ साफ किया, नकदी चोरी कर फरार हुए चोर, पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। कांगड़ा के भदौरिया में निजी हॉस्टल में सरेआम गुंडागर्दी का मामला ये होटल में सामने आया, हथियार लेकर होटल में घूमते नजर आए अपराधी, होटल मालिक अरविंद ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी के आदेश के बाद नेशनल हाईवे 5 बहाली का काम तेज गति से जारी, हाईवे की बहाली के लिए मशीनों को भी तैनात किया गया, भूस्खलन के चलते नेशनल हाईवे 5 की बहाली कार्य में आई थी परेशानी। चंबा में ग्रामीण वन प्रबंधन समिति गठित की गई, सामूहिक तौर पर केंचुए से बनाई जा रही है खाद, वन विभाग की ओर से खाद को तैयार करने वाले पिट के निर्माण के लिए दी गई 1,30,000 की अनुदान राशि। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सलाह दी है, मिठाइयां खरीदते समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह, त्योहारी सीजन में मिलती है मिलावटी चीजें, हालिया रिपोर्ट्स में कई शहरों में मावे में डिटर्जेंट और कई अन्य हानिकारक पदार्थ मिलाए गए। मंडी में इट इज इजी शॉर्ट फिल्म बढ़ाएगी बेरोजगारों का मनोबल, रामपाल कर रहे हैं लघु फिल्म का निर्देशन, पहले बेटी बचाओ पर एड ऑफ बिगनिंग के नाम पर बनी थी लघु फिल्म, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिल चुके हैं 7 पुरस्कार। बिलासपुर में विद्युत बोर्ड की बैठक आयोजित, विद्युत बोर्ड कोटे से भर्ती हुए हैं।
सोलन में पुलिस को मिली है बड़ी सफलता, चोरी हुई ज्वेलरी का खुलासा ये किया, एसआईटी का गठन कर आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया, जांच शुरू। दंपति ने पेश की है अनूठी मिसाल, बीमारी के चलते बेटे की मौत हो गई थी, रिसर्च के लिए दान दिया है शव, शव को किया मेडिकल कॉलेज के हवाले। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।